इतिहास में जितने भी चमत्कारी महापुरुष हुए, जिन्होंने मानवता के हित के कार्य किए, उन सब में एक कॉमन चीज थी, स्वस्थ तन, संयमित मन और पावरफुल ब्रेन। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जितना पावरफुल हमारा ब्रेन होता है, उतने पावरफुल पर्सनालिटी हम बन जाते हैं। तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि वो कौन सी शक्ति है जिसने इनके ब्रेन को सुपर नेचुरल पावर से भर दिया। तो चलिए ये जानने के लिए ब्रेन का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। ब्रेन चाहे मनुष्य का हो या जानवर का, उसको बनाने वाला मुख्य तत्व है लेसिथिन, जो कि फास्फोरस का एक कंपाउंड है। ब्रेन में मौजूद इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स में भी मुख्य रूप से लेसिथिन होता है। पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स हमारे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण हार्मोन्स को बनाने का काम करते हैं। इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर इवांस बताते हैं कि जब हम सोचते विचारते हैं, तब हमारे दिमाग में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन प्रारंभ हो जाता है। जर्मन बायोकेमिस्ट्स कहते हैं, विदाउट फास्फोरस नो थॉट। यह फास्फोरस हमारे नर्वस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पल्सेस का भी निर्माण करता है। प्रत्येक सेकंड हमारे नर्व्स और ब्रेन में हजारों की संख्या में टिश्यूज डैमेज होते रहते हैं, जिसको रिपेयर की आवश्यकता होती है। लेसिथिन हमारे नर्व और ब्रेन टिश्यूज को बनाता है। तो हम समझ ही गए होंगे कि फास्फोरस और उसका कंपाउंड लेसिथिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। परंतु हम में से कई लोग इस मूल्यवान तत्व का नादानी में बहुत नुकसान करते हैं। सबसे दुख की बात तो ये है, जिन टीनेजर्स और नवयुवकों के विकसित होते दिमाग को इस तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वे ही इसे सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे क्षणिक सुख जैसे मास्टरबेशन यानी हस्त मैथुन और संभोग, हमारा जो वीर्य है उसका भी मुख्य तत्व लेसिथिन है। पुरुषों में वीर्य एवं महिलाओं में रज लेसिथिन का मुख्य स्टोर है। यानी कि हर बार जब भी हम क्षणिक सुख के लिए अपने विवेक का बटन बंद करके वीर्य नाश करते हैं, तब हम अपने ब्रेन को ही तबाह कर रहे हैं। अनेक मूर्धन्य साइंटिस्ट ने भी रिसर्च करके ये बताया है, अत्यधिक वीर्य नाश से हमारा शरीर हमारे ब्रेन या हड्डियों से लेसिथिन और अन्य पोषक तत्व खींच कर भी वीर्य बनाता है। इसके विपरीत अगर हम वीर्य को बचाते हैं तो यह हमारे शरीर में रीअब्सॉर्ब होकर हमारे ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड को ही पुष्ट करता है। यही कारण था कि सुकरात, पाइथागोरस, एरिस्टोटल, चाणक्य, पाणिनि जैसे महान दार्शनिक, आइंस्टाइन, न्यूटन, आर्यभट्ट जैसे महान साइंटिस्ट्स, कालिदास, लियोनार्डो दा विंसी, राफाल जैसे आर्टिस्ट्स और कवि संयमी जीवन जीते थे। भारत में ब्रह्मज्ञानी योगी महापुरुष जैसे कि स्वामी लीला शाह जी बापू, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ के जीवन में चमत्कार और विश्व मानव के कल्याण के लिए ज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, नीति नियम में उनका योगदान ब्रह्मचर्य के पावर का जीता जागता उदाहरण है। प्रत्येक प्राणी की डाइजेस्टिव पावर लिमिटेड है, यानी एक समय में हमारा शरीर एक सीमित मात्रा में ही पोषक तत्वों को शरीर में ले सकता है। इसके अलावा हमारे शरीर में वीर्य बनाने की प्रोसेस बहुत लंबी है। आयुर्वेद के अनुसार आचार्य सुश्रुताचार्य ने कहा है, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेधा प्रजायते, मेधस्यास्तिहि ततो मज्जा मज्जा या शुक्र संभव। अर्थात शरीर में भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य बनता है। एक बार के सेक्स हस्त मैथुन करने से 15 ग्राम या इससे अधिक वीर्य खर्च होता है। 40 दिन के परिश्रम के बाद रोज के 700 ग्राम भोजन से 20 ग्राम वीर्य बनता है। इस बहुमूल्य वीर्य को संतानोत्पत्ति के सिवाय किसी भी अन्य तरीके से नाश करने से न्यूरोस्थेनिया, एनीमिया,
माल न्यूट्रिशन, एस्थेनिया ऑफ द मसल्स एंड नर्व्स और मेंटल एग्जॉशन जैसे नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। जो टीनेजर्स कम उम्र में ही कामुकता के शिकार हो जाते हैं, वे अपना सर्वनाश कर लेते हैं। हमारे ब्रेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्रंटल लोब, जो कि जजमेंट, इंपल्स कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग और सहानुभूति के लिए उपयोग में आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की प्रोफेसर फ्रांसिस जेंसन कहती हैं कि हमारे ब्रेन का फ्रंट भाग यानी फ्रंटल लोब को डेवलप होने और ब्रेन के दूसरे हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ने में शुरू के 25 वर्ष लगते हैं। And it starts in the back of your brain and moves forward. So the last place to connect is the frontal lobe. इनका कहना है कि टीनेजर्स के ब्रेन में बड़ों की अपेक्षा साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी यानी परिवर्तनशीलता ज्यादा होती है। अर्थात टीनेजर्स अच्छे या बुरी किसी भी चीज को हार्डर, स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर और फास्टर पकड़ लेते हैं। क्योंकि 25 साल तक डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा दिमाग फिट नहीं होता है, इसीलिए इस समय में युवाओं के लिए सही या गलत माहौल, दोस्त और लाइफ पार्टनर चुनने का निर्णय घातक हो सकता है। अभी जो बात साइंटिस्ट बताते हैं, ये बात प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इतना ही नहीं, बल्कि विश्व की कई पुरानी सभ्यताओं और संस्कृतियों में भी संयम का पालन होता था। नॉर्थ ट्रांसवाल के बाहांडा में शादी से पहले कोई यौन संबंध की अनुमति नहीं होती थी। सिंटेंग्स जाति में पति अपने पत्नी के साथ एक ही घर में नहीं रहते, केवल अपने पत्नी के घर मिलने जाते थे। ऑस्ट्रेलिया एबोरिजिनिस के लोगों में अनियमित यौन संबंध का प्रचलन नहीं था। यहाँ तक कि किसी अकेले पुरुष को लड़की या अविवाहित स्त्री से बातचीत करने की भी अनुमति नहीं होती थी। सेरी जाति में युवक को शादी से पहले अपने संयम की परीक्षा में योग्य होने के लिए एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक था। मलायज के लोग तो युद्ध के समय में कठोर संयम का पालन करते थे। यहाँ तक कि स्पार्टन लोगों में भी संयम का पालन दृढ़ता से ही होता था। पति पत्नी अलग अलग कमरों में सोया करते थे। इसी संयम के कारण इस जाति की शूरवीरता, पराक्रम और उनका शारीरिक गठन कई सदियों तक विख्यात था। भारत में भी यह लाखों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनि जानते थे। तभी पहले बचपन से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का विधान बनाया था। गृहस्थ में भी मैथुन कब करना और कब नहीं करना, कैसे करना, इस विषय में हमारे शास्त्रों में वर्णन है। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि समय समय पर हमारे यहाँ महापुरुषों का अवतरण होता रहता है और ऐसे संत ही ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि समाज संयम का पालन करे। तभी हमारे यहाँ असंख्य ब्रह्मचारी विभूतियाँ प्रकट होती हैं। वर्तमान समय में इसी ऋषि परंपरा में पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने प्रयासों, योग सामर्थ्य, सत्संग और युवाधन सुरक्षा अभियान से समाज के सभी वर्गों को ब्रह्मचर्य का महत्व समझाया है। उनकी कृपा से करोड़ों युवाओं का जीवन बदल गया है। युवाओं के बेस्ट गाइड और हितैषी मित्र संत महापुरुष और माता पिता ही होते हैं। इसलिए पूज्य बापूजी ने टीनेजर्स और युवाओं के ब्रेन को डैमेज करने वाले वैलेंटाइन डे के बदले पारिवारिक स्नेह बढ़ाने वाले मातृ पितृ पूजन दिवस की परंपरा को शुरू किया। यह अनोखा पर्व 166 देशों के भटके हुए युवाओं को उनके परम हितैषी यानी माता पिता और गुरुजी का आदर पूजन करवाकर उनको संयमी सदाचारी बनाता है। आइए ऐसे युग प्रवर्तक संत श्री के श्रीमुख से ही संयम का महत्व सुनते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी का कल्याण हो। कोई ईसाई नहीं चाहता कि मेरी कन्या 13 साल में गर्भवती हो जाए स्कूल जाते जाते। कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि मेरी कन्या, कुंवारी कन्या, हवस के शिकारियों की शिकार हो जाए। और कोई यहूदी पारसी नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र अथवा पुत्री विकारों के शिकार हो जाए। हिंदू तो चाहेंगे कैसे। तो लाखों करोड़ों माता पिताओं की हृदय की पीड़ा और लाखों करोड़ों बच्चे बच्चियों का भविष्य
तबाही के कगार में जा रहा है, उनकी पीड़ा से मेरा हृदय द्रवित हुआ। हृदय की द्रवितता उस हृदय ईश्वर के पास पहुंची, उन्होंने कहा ये कर लो बस हो गया। वो जिसकी प्रेरणा हुई वही ये सब काम करवा रहा है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने मेरी बात सुनी और उसी समय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, दूसरे मंत्री बैठे थे प्रवचन में, खड़े हो गए कि आज तो 12 फरवरी है, परसों 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ सरकार 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस का दर्जा देके मातृपितृ पूजन दिवस सारे राज्य में मनाया जाएगा, वैलेंटाइन डे मनाने पर पाबंदी। और उन बहादुरों ने जो कहा करके दिखाया महाराज जी, वैलेंटाइन डे के बदले माता पिता का पूजन दिवस, इसलिए मैंने ढूंढा कि माता पिता वैसे ही बच्चों पर मेहरबान होते हैं। लेकिन जब माता पिता का कोई बच्चा कहता है माँ तुम मेरी है, तो माँ के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। पापा मैं तुम्हारा हूँ, पिताजी तुम मेरे है, तो पिताजी के आनंद का दरिया उमड़ता है। लेकिन जब माता पिता का पूजन करेंगे तो पिताओं का अंतरात्मा और माताओं का अंतरात्मा बच्चों पर बरसेगा और बच्चे होनहार होंगे। ऐसे सज्जन आत्माएं भी तो उन्हीं माताओं की संतान है नारायण। इसलिए मैंने वैलेंटाइन डे का विरोध नहीं, लेकिन वैलेंटाइन डे के कुप्रभावों से बचकर माता पिता का सत्कार करके और सभी संतानें चाहे हिंदुस्तान की हो चाहे विश्व के ब्रह्मांड के किसी भी कोने के हो, सभी बालक बालिकियां उन्नत हो और सभी माता पिता प्रसन्न रहो और माता पिता नर्सिंग होम के हवाले ना हो, पराधीन जीवन न जिए, बच्चों से सम्मानित रहें और बच्चे उनसे आशीर्वाद लेकर सुश्रेष्ठ रहें। इसलिए ये भगीरथ कार्य हुआ और फिर ये संत है। भगीरथ तो अकेले थे, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारा समाज मेरे साथ है और उन्हीं का कार्य समझ के दौड़े दौड़े आते हैं कमालू संत। पिछले एपिसोड में हमने वादा किया था कि हम आने वाले एपिसोड्स में वीर्य रक्षण के कुछ उपाय लेकर आएंगे। आइए अब हम वीर्य रक्षण के कुछ सरल उपाय सीखते हैं। जब भी हमें काम विकार सताए तो हम मूल बंध कर लें, यानी गुदा द्वार का संकोच कर लें एवं पेट को भीतर की तरफ खींचकर फेफड़ों में भरी हवा को जोर से बाहर फेंकें। 2-3 बार किए इस प्रयोग से अभूतपूर्व लाभ होगा। यह प्रयोग दिखता छोटा सा है मगर बड़ा महत्वपूर्ण यौगिक प्रयोग है। इस प्रयोग से आंधी की तरह आया हुआ काम विकार का वेग शांत हो जाएगा और आप वीर्य पतन से बच जाएंगे। इसके अलावा कुछ योगासन भी आपको इसमें मदद करेंगे, जैसे पाद पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, स्थल बस्ती और अश्विनी मुद्रा। इन आसनों को करने की विधि के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को देख सकते हैं। अभी आपने वीडियो में देखा कि वीर्य नाश से हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को किस तरह से नुकसान होता है। आने वाले एपिसोड्स में हम वीर्य नाश के और भी कई दुष्परिणाम देखेंगे जो शरीर के सूक्ष्म भागों, चक्रों को भी प्रभावित करता है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसके साथ वीर्य नाश और संयम के कई और पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आइए आज संकल्प लें कि आज से हम अपने वीर्य की रक्षा करके दिव्य जीवन के द्वार खोलेंगे। आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। जब चाहे परम आनंद उठा लेते हैं, जब चाहे परम आनंद उठा लेते हैं, अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं, अपने माता पिता के पांव दबा लेते हैं।